तो यहाँ एक बार श्री किशोरी जी के विषय में, जब ठाकुर जी नन्हे से थे, राधा रानी के, राधा रानी तो उनकी आराध्या हैं, आत्मा तू राधिका तश उनकी आत्मा है। तो जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण बाल लीला कर रहे थे तो प्रभु की अवस्था 3 वर्ष की थी, 3 से 4 वर्ष की। तो एक दिन गांव में गए, नंदगांव में, तो किसी की बारात देख ली। जा रहा था कोई दूल्हा घोड़ी पर बैठकर, पूछा भैया ये कौन जा रहा है? तो किसी ने कह दिया भैया ये जो जा रहा है ये दूल्हा है और ये संग संग जा रहा है, सब बराती है। तो पूछा ये दूल्हा क्या करेगा? बोले दुल्हन लेकर आएगा जो घर में काम काज करेगी, प्रेम देगी। इतना सुनते ही फिर तो आए अपने ग्वाल बालों से कहा, अगर मैं दूल्हा बन जाऊं तो तुम बराती बनोगे? भगवान के ग्वाल बाल भी भगवान के बराबर सब कहने लगे, अरे लाला फिर का होगो वहां, अगर बराती बन गए तो हमको माखन मिलेगो? बोले तुमको जो चाहिए सो मिलेगो, बराती तो बन जाओगे? बोले हाँ। तो अपने बरातियों की तैयारी करके मैया के पास आए, मैया से कहते, मैया मैंने सोची है कि तू बहुत थक गई होगी, इतने बुढ़ापे में तू काम करती है मुझको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब ये 4 वर्ष के कन्हैया बोल रहे हैं, मैया मुझको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तू काम करती रहती है, मेरे मन बिल्कुल भी नहीं देख पाता कि मेरी मैया अकेली लगी रहती है, कोई ना कोई बहू होनी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ तू मुझको दूल्हा बनाकर घोड़ी पर बिठा दे तो बराती की जरूरत ना है, मेरे पास बराती है, 4-5 ग्वाल बाल चल लेंगे। मैया ने कहा, क्यों रे छोरा तू नेक सो है, दूल्हा तू बनवे को तैयार है पर दुल्हन के कोई खोज खबर है? बिना दुल्हन के कहाँ से कोई बरात लेकर कहाँ जाएगा? छोटे से ठाकुर जी कहते, मैया बाकी चिंता मत कर, यहाँ से दूर ब्रशभानु जी हैं, बरसाने में उनकी कन्या का नाम राधा है, तू बस मुझको भेज दे मैं तो कर आऊंगा ब्याह। अब मैया समझाती है, लाला पहले ब्याह की बात की जाती है, सामने वाले राजी होंगे तभी ब्याह किया जाता है, ऐसे नहीं होता। पर ठाकुर जी कहते, नहीं तू चाहती नहीं है कि तू मेरा ब्याह करे, कुछ करने की जरूरत नहीं मुझे, तो तू घोड़ा मंगा दे, वो भी ना मंगाए हो जाए तो मेरा तिलक कर दे और मुझे भेज दे। मैया को समझा रहे, मैया यदि तैने ब्याह करा दिया तो तुझे काम नहीं करना पड़ेगा, पहले डरा रहे अगर तैने ब्याह नहीं कराया तो फिर तेरी गैया नहीं चराएंगे, तुझसे माँ नहीं कहेंगे, हम तो केवल बाबा के हैं तेरे नहीं हैं। जब देखा कि मैया को ज़्यादा दबाव दिखा रहे हैं फिर भी मैया पे असर नहीं हुआ तो फिर मना रहे हैं कि कैसे चंदन चौकी पर बिठा कर तुम्हें भोजन प्रसादी पवाऊंगा, अरे दुल्हन आपका जो मेरी दुल्हन होगी वो आपके पैर दबाएगी, आपको पंखा करेगी, आपकी सेवा करेगी, अरे मैया मान जा मेरा ब्याह करा दे। और किस प्रकार से कह रहे हैं, चलते हम सभी तो देख करके बैठ करके दर्शन करेंगे। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से विरज की छोरी की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह।
बोलेंगे, हमारा ब्याह करा दे। और क्या बोलते हैं, अज जो ना ब्याह करा दे, मैया
छोरी से मैया करा दे मेरो छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से नीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से नीरज की छोरी से मैया करा दे मेरा राधिका गोरी से की छोरी से मैया करा दे मेरो राधिका गोरी से की छोरी से मैया करा दे मेरो 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 गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी से जय हो बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो मैया करा दे मेरो
प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरु ब्याह। तो ऐसी ठाकुर जी की अद्भुत लीला श्री राधा रानी के लिए। तो वही श्री राधा रानी जो भगवान को अत्यधिक ज्यादा प्रेम करती है, वही वृंदावन की महारानी है। तो जब वही वृंदावन जा पाते हैं जिनको श्री किशोरी जी बुलाती हैं, तो यहाँ पर